कोई भी मैटर हो जिंदगी में, कहीं भी मामला है, आप अगर आपको सही तरीके बैंकिंग नॉलेज है तो आप उसको कभी आप धोखा नहीं खा सकते। इसलिए जीतने का मकसद ये है कि प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए बैंकिंग का, ठीक है। हम ये तो कर लेते हैं कि चार चार साल की एम बी ए बैंकिंग फिनांस कर ली, दो साल में कर ली, लेकिन वो हमें चीज़ें नहीं बताई गई होती हैं, चीज़ें सिर्फ नहीं दे रहे होते, उसमें हम नुकसान होने के साथ हैं। डिग्रियों में तो दो दो लाख रुपया ले लेते हैं यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन ये चीज़ें हमें नहीं मिलेगा। मैं खुद अपनी मिसाल लेता हूँ, हमारे पास लड़के आते थे दो दो माह का ट्रेनिंग करने के लिए ना, इंटर्नशिप करने के लिए, वो स्टेट बैंक की जो रेगुलेशन रह गए यूनिवर्सिटियों के ऐसे बच्चे उठाए, अब महीना या दो महीने 15 दिन तो उसको डिपॉजिट किस लिए फिर करने में लगा, टाइम भी नहीं होता था। और दूसरा ये है कि ट्रस्ट नहीं ले सकते, जब इतनी आगे फिर उसे थोड़ा सा काम उठने का टाइम दे दिया, क्लियर के बाद बच्चा भी खुश कर देता है, दो महीने खाना पड़ेगा, लेकिन होता क्या है उनको सही तरीके से नॉलेज नहीं दिया गया, जो कि आपको यूनिवर्सिटी 4 साल में सिखाती है इंशाल्लाह ताला यहाँ पे अपने कोर्सेज के अंदर, अब वो एक्सपीरियंस कभी भी नहीं बताएगी, वो तो टीचर है जस्ट उन्होंने नॉलेज लेके ख़त्म कर देना है, जहाँ पे एक्सपीरियंस दिया जाएगा पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। बच्चों को ये है कि जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तरीका कार नहीं पता होना, तो कैसे अप्लाई करें, उनको पता नहीं होता कि जॉब्स कहाँ आती हैं, किस जगह आती हैं, फॉर्म कैसे फिल करें। कल एक बच्चे की मुझे कॉल आई, सर वो मैंने अप्लाई किया है, उसकी वापसी मेल आनी है मुझे, वो कहाँ आएगी। मैं तो रोजाना चेक करता हूँ ईमेल ही में, मैंने तो कहना का स्कैन चेक किया अपना, तो नहीं सर, उसे जाना फिर चेक किया उसमें मेल की कन्फर्मेशन आई होती, शुक्र है 2 दिनों से मुझे पहले भूल गया और उसका इंटरव्यू लिखा है। तो ये तरीक़ाकार की सारी चीज़ें जो है ना, जो डिफिकल्टीज लोगों को फेस होती हैं, ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम उसको आपको समझाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन जो टेस्ट अप्लाई करते हैं, उनको टेस्ट का प्रोसीजर भी नहीं पता होगा कि क्या टेस्ट में आएगा, उसका ड्राफ्ट क्या देना है, क्वेश्चन क्या आएगा, जनरल नॉलेज कितना आएगा, बैंकिंग के लिहाज से क्या आएगा। डेफिनेटली वो टेस्ट में अपेयर तो हो जाते हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं हो तो वो फेल होकर रिजेक्ट होते कर बैठ सकते, लेकिन यहाँ पर क्या जवाब नहीं है, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो आपका नॉलेज ही अप टू डेट नहीं होगा तो आपने फेल ही होने। फिर उसके अंदर रिजेक्शन इंटरव्यूज के अंदर लड़के बच्चे रिजेक्ट होकर आ जाते हैं, वो क्यों होकर आते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, जी भी तो उन्होंने ली होती है 3.95, लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको तैयारी नहीं करवाई होती। सर उनको एक सवाल कर दिया जाए तो वो बच्चे जवाब नहीं दे पाते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, उसके अंदर इंग्लिश में भी उनकी सही नहीं है, जैसे कि वहाँ पर इंग्लिश में नहीं जब उसका सवाल सवाल वहाँ पे करते हैं। ये रीज़न अब उस टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी, बहुत सारे कोर्सेज आपके सामने आ रहे कर भी रहे हो, बहुत सारे कोर्सेज करवा रहे हैं, वो अब आगे जनरल बैंकिंग एंड फिनांस के अंदर आपके कैसे हेल्प करेगा अप्लाई करने के लिए, नॉलेज के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो बैंकिंग के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ऑपरेशन है, सेल है, क्रेडिट है, या बैक ऑफिस की जॉब है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो भी बेसिक नॉलेज है या डिटेल नॉलेज है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं आके जो टेस्ट के अंदर आप कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरी, हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे जॉब सर्चिंग, जैसे मैंने अभी बताया लोगों को पता नहीं होता कि जॉब कहाँ से निकलती है, इंशाल्लाह ताला जो बच्चे हमारे पास ये कोर्सेस करेंगे उनको हम अप टू डेट करेंगे कि आज फलां बैंक में निकलती है।